योर ग्रामर टीचर। हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने स्टोरी पढ़ी थी और आज उसके एक्सरसाइज करेंगे। तो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट। बुक पेज नंबर 97। क्वेश्चन नंबर बी, मेक द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द पैसेज विद देयर मीनिंग। ठीक है, यानी कि ये मैच वर्ड को मैच करना है उसके मीनिंग से। ठीक है, तो नंबर वन देखिए, नंबर वन के सामने मैंने जी लिखा, आप भी इसी तरह लिखिएगा। नंबर वन के सामने मैंने जी लिखा है, टू का एच, थ्री को ए, फोर एफ, फाइव आई, सिक्स सी, सेवन ई, एट बी, नाइन डी। अब आपने क्या करना है, जब आप ये वर्ड्स लिख चुके हैं तो इसके बाद आपने क्या करना है, जी को मैंने यहाँ जी लिखा है तो जी को जी से आपने मैच करना है। ठीक है, इसी तरह एच है, ठीक है, तो नंबर टू को आपने इसके एच से मैच कीजिएगा, ये एच से मैच करना है। अंडरस्टैंड? तो ये आप अच्छे से देख लें, फर्स्ट में जी है, सेकंड में एच, थर्ड में ए, फोर में एफ, फाइव में आई, सिक्स में सी, सेवन में ई, एट में बी और नाइन में डी। जो भी अल्फ़ाबेट मैंने आपको लिखवाया है उसके सामने वाले कॉलम में उसको मैच करना है। टू मैंने मैच करके आपको दिखाया है। ठीक है, नंबर सी देखें, क्वेश्चन नंबर सी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। नंबर यानी प्रीपोजिशन आप पहले भी कर चुके हैं, अब इसको फिल करना है आपको। द बॉय लुक्ड, एट लगाइएगा, द बॉय लुक्ड एट द ह्यूज बिल्डिंग इन वंडर। नंबर टू, द क्राउन वाज सेट विथ ग्लिटरिंग ज्वेल्स। नंबर थ्री है, द चिल्ड्रेन डांस्ड अराउंड द बॉनफायर। नंबर फोर है, द काउट साइट ऑफ लगाइएगा, ओ एफ ऑफ ए टाइगर लाइंग बिहाइंड द बुश। नंबर फाइव है, द क्राउड ऑन द रोड लाफ्ड एट टॉम। यानी नंबर लास्ट में दो फिर पोजिशन है, ओ एन ऑन और एट। ओके स्टूडेंट, अब आप अपनी डायरी देखें। डू पेज नंबर 97, क्वेश्चन बी एंड सी जो मैंने अभी आपको करवाया है वो आपको करना है ऑन बुक पर, यानी ये बुक पर ही आपको पेंसिल से करना है। ठीक है, डू पेज नंबर 97, क्वेश्चन बी एंड सी ऑन बुक विथ पेंसिल।